गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू विद द लेसन आवर स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस विच कांट बी डिजॉल्व सबसे बड़ी बात यह है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेंड किया था उसमें मैंने सारा एक एक करके आपको इसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर दिया है द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज सिक्स ईयर ठीक है ना जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली में वट द एज ऑफ सॉरी द टेन्योर ऑफ द मेंबर इज फाइव इयर्स ऑनली ठीक है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिक्स ईयर के बाद जो वो रिटायर होंगे अपने अपने जो उनका मेंबरशिप uh, है उससे वो रिटायर हो जाएंगे बट वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी टू ईयर्स हर दो साल के बाद वन वन थर्ड उसके मेंबर जो रिटायर होते जाएंगे दे आर रिप्लेस्ड बाई न्यूली इलेक्टेड में विधान परिषद इलेक्ट इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्यूटी चेयरपर्सन फॉर मतलब जितने भी मेबर जो वो एम एल सी के होंगे मतलब जितने भी मेम्बर जो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे वो अपने में ही सारे के सारे मेंबर्स को जो है वो उसी में से ही वो चेयरपर्सन को जो है वो एक चेयरपर्सन और एक डिप्यूटी चेयरपर्सन को जो है वो इलेक्ट करेंगे अपने ही मेंबर्स में से ठीक है ना द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मतलब मेंटिविली से ज्यादा नहीं हो पाएंगे या फिर दूसरा देखो इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि जितने भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल एम होते हैं उनका वन थर्ड उतने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर हो सकते हैं ठीक है ना द मिनिम एज टू बी अम्बर ऑफ लेजिटिव काउंसिल थर्टी ईयर जबकि हमने जहाँ जब हमने लेजिस्टिव असम्बली की बात की थी तो वहाँ पर कितने साल के लिए वो इलेक्ट कर सकते थे कितनी मिनिमम uh, एज कितनी होती थी इलेक्ट करने की वो ट्वेंटी फाइव ईयरस हैं लेकिन जब हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो बनना है ठीक है न जब हमें एम एल सी का जो है वो मेम्बर बनना है तो वी नीड ट्वें थर्टी ईयर थर्टी ईयर ना तभी हम जो मेंजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो बन सकते हैं लेट्स बेटा बेटा ये देखो। ये देखो वही देखिए उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड महाराष्ट्र फाइव स्टेट्स आर तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे विधान परिषद है ओके फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर देखो अब फंक्शन क्या है ठीक है ना अपने स्टेट्स में एक स्टेट लेजिस्लेटर के फंक्शन क्या होते हैं देखो क्या काम करता हो नंबर वन इट मेक्स लॉ फॉर मेंशन इन लिस्ट एंड सब्जेक्ट दिए हैं वी हैडी डिस्कस्टा देखो हमने क्या किया था कि जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे वो थे हमारे सिक्सटी वन ठीक है और कॉन्ट लिस्ट लिस्ट में थे फिफ्टी टू इन सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ बनाते हैं वो कौन बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर सेकेंड इट द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट फैब या मार्च के महीने में स्टेट क्या करते है? कि अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो बजट जो है वो एनुअल बजट जो है पास करती है इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये सारे के सारे जो मिनिस्टर होते हैं एक स्टेट के उनके हर काम के ऊपर जो है वो अपना चेक रखती है द मनी बिल कैन ऑनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्टिव असेंबली ठीक है ना अब देखो दो तरह की है न जिस जिस स्टेट में दो तरह की मीन्स uh, के एक लेजिस्टिव असेंबली या मतलब वहाँ पे जो दो uh, सदन है ठीक है ना वहाँ पे जो बाई कैमरल जहाँ पे सिचुएशन uh, है जिन स्टेट्स में वहाँ पे क्या होता है द मनी बिल कैन ऑनली भी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्टिव असेंबली नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है ना, अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर कंसेंट बिल पास कर दिया पॉलिसी बन गई हर चीज हो गया लेकिन जब तक गवर्नर का उस पर साइन नहीं होगा जब तक गवर्नर के उसपे ऊपर कंसेंट नहीं होगा तब तक वो बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा सबसे बड़ी बात है बेटा गवर्नर का बहुत बड़ा रोल है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्योंकि गवर्नर ही एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो गवर्नर का बहुत बड़ा रोल है लेजिस्ले, लेजिस्लेटिव असेंबली में और जब तक बिल वहाँ पे पास नहीं माना जाएगा जब तक वो कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बनेगा जब तक गवर्नर उसके ऊपर साइन नहीं कर लेता द इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एलोंग विद द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये दोनों चीजें ठीक है ना देखो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है अगर प्रेजिडेंट का अगर देश में इलेक्शन होना है तो वहां पर भी अपने वोट देती है और सेकंड थिंग अगर पार्लियामेंट के लिए जो वो है वो मेम्बर चुनने हैं किस कौन सी पार्लियामेंट के लिए राज्यसभा के लिए ठीक है ना जोर हाउस है अगर उसके लिए जो मेंबर चुने जाएंगे उसको भी कौन इलेक्ट करता है उसको भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं भू इलेक्ट करते हैं ठीक है ना लोकसभा के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लेकिन राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो किए जाते हैं ठीक है ना बेटा दैट्स ऑल फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली थैंक यू